हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। रियल नंबर्स का सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया अभी एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 1.2 से पहले 1.1 का सॉल्यूशन मैंने क्लियर कर दिया है। आज सवाल का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। रियल नंबर्स के सारे कंसेप्ट भी दे दिए जा चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। आई थिंक मैंने अपडेट कर दिया है, हर चीज आपको रियल नंबर्स का एक ही जगह पर मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 1.2 में भाई 7 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें दो क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 5 नंबर और 6 नंबर, एक मिनट, ये 5 नंबर और 6 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का ही आता है, ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का, लेकिन ये 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट भाई। एक नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर की तो बात ही अलग है। तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं, एकदम श्योर समझ लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, बाकी जो एलसीएम एंड एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी 2 नंबर के आते हैं। तो इस पूरे एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो टेंशन की क्या बात है। इतने में से कोई एक मैं ले लूं, क्या ले लूं बताओ? ये लेता हूं। करना क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन सारे नंबर्स को अपने इनके जो प्राइम फैक्टर्स है उसके प्रोडक्ट रूप में एक्सप्रेस करना है। तो मैं ये लेता हूं भाई 156 लेता हूं। अब इसको ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर्स के से डिवाइड कर करके, तो तुम 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। तो पहला प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। 2 से 7 बार में 14 और 8 बार में 16, फिर 2 से 3 बार में 6 और 9 बार में 18, फिर 3 से 13 बार में 39। अब तो कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि ये 39 में तो कुछ लगेगा नहीं। अब तो क्या हो गया, 2 2 3 13, ठीक है, बस यही। तो बाकी ये सारे क्वेश्चंस तुम सेम प्रोसेस से कर लेना, ठीक है। कभी कभी ये सारे क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। यहां पे फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीग्रल्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर, ठीक है। इसमें करना क्या है कि तीन जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों में दो दो पेयर के मतलब एक एक पेयर नंबर है, ठीक है। इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उतना ही होगा जितना नंबर का प्रोडक्ट होगा। तो काम कर लो यार। देखो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। 26 है और 91 है, तो 26 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 2 गुना 13, क्योंकि प्राइम फैक्टराइज करना है ना, और इसका कितना हो जाएगा, 7 गुना 13, 13 7 91 होता है। अब जो एच सी एफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना होगा, 13 होगा, और जो एल सी एम होगा वो कितना होगा, एल सी एम हो जाएगा जो कॉमन फैक्टर है वो तो एक ही बार लिखा जाएगा, 13, 2 और 7 फिर एक एक बार, तो मल्टीप्लाई कर लो यार, 26 14 और 42, 182। अब वेरिफिकेशन में क्या करना है, तो वेरिफिकेशन में तुम कर लो एच सी एफ इंटू एल सी एम, तो मल्टीप्लाई करो 13 और 182, मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, कर लेना तुम, ठीक है, ये कर लेना। और फिर निकालना प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर में क्या है भाई, 26 एंड 91, इसको मल्टीप्लाई करना, तुम क्या देखोगे कि ये जितना आया उतना ही ये भी आया, तो बस यही तो वेरीफाई करना था कि जितना एलसीएम टू एचसीएफ होगा उतना ही प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट यहां भी क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है, इन सबका बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ये ले लो, चलो 12 15 21, तो 12 मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 और गुना 3 12, 3 इंटू 5 15 होगा और 3 इंटू 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 21। अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर होगा तो 3 3 एंड 3, ये बस यही कॉमन है, तो एचसीएफ 3 होगा। एलसीएम कितना होगा, तो एचसीएफ 3 3 3 है, तो एचसीएफ तो होगा ही, एलसीएम में एचसीएफ तो होता ही है। अब रिमेनिंग क्या बचा, 2 2 5 7, 2 2
5, 7। अब देखो, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60 और 6 × 7 = 42, 420 निकल गया ना। तो ऐसे ही ये तुम कर लोगे, ये भी कर लोगे, सेम चीज है। अच्छा ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि गिवन दैट एच सी एफ ऑफ दिस एंड दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि एच सी एफ ऑफ दिस एंड दिस इज 9, इस दोनों का एच सी एफ 9 है तो इसका एलसीएम निकालना है। तो निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में ना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि एच सी एफ इंटू एल, जो भी वेरीफाई किया है, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को रख लो तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय एचसीएफ। अब कितना है नंबर, किसका प्रोडक्ट नंबर का, नंबर कितना है 306 है और 657 है बाय एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6 to the power, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया अभी जस्ट कि दो नंबर पूछा जाता है। ठीक है, चेक वेदर 6 to the power n कैन इंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि चेक करो कि क्या 6 to the power n के किसी भी वैल्यू के लिए इसके लास्ट में 0 आ सकता है क्या। तो देखो, तुमको ये तो पता होगा कि 0 कब आता है, 0 तभी आता है जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा तुम किसी चीज को मल्टीप्लाई करो, मैं प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ, प्राइम नंबर्स की, तो तुम तो कहोगे कि सर 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, तो 4 और 10 प्राइम नंबर नहीं है। मैं प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ कि ऐसा सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, वो है 2 और 5। इसके अलावा और कुछ भी ले लो तुम, उसको कोई प्राइम नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, मल्टीप्लाई करोगे 0 नहीं आएगा। सिर्फ 2 ही ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 5। तो तुम यहां पर दिखा दो इसको कि भैया यहां पे जो 6 है ना, देखो 6 to the power n, अब तुम क्या कहोगे कि 6 to the power n मतलब क्या हो गया कि 2 × 3, 6 को लिखा अपने 3 पावर कर दिया n, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर n और 3 का पावर। अब तुम देखो कि 2 है और 3 है, ठीक है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई पर ये लिखने की जरूरत है भी नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है, यहीं पे काम चल जाएगा। तो तुमने क्या दिखा दिया कि 6 को हमने जब प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया तो क्या आया, 2 आया और 3 आया, और 2 और 3 को कभी भी कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करो, हजारों बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2 3 को हजारों बार मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 तभी आता है जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुम लिखोगे कि 6 to the power n, ठीक है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, ये लिखो, ये कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म टू का पावर m इंटू 5 का पावर n, जहां पे m और n कोई इंटीजर है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, m और n कोई होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, एम और एन क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। तो चूंकि 2 कितने बार भी हो, 5 कितने बार भी हो, लेकिन 2 और 5 दोनों होना चाहिए तभी 0 आएगा। यहां एम एन कहने का मतलब ये नहीं है कि अब एम एन कहां से आ गया, एम एन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 3 बार है और 5 एक भी बार है तो भी हमारा मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने लिखा 2 का पावर m और 5 का पावर n, कि 2 और n कितने कितने बार होते मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। तो 6 to the power n कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n 5 का पावर n, सो इट कैन नेवर, ये कैन नॉट इंड विथ 0, सो कुछ भी कर लो ये लास्ट में 0 नहीं आएगा। बात क्लियर है, वाह, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का आता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, तुमको एक्सप्लेन करना है कि दोनों नंबर कंपोजिट क्यों है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जिसके जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हो, कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, जैसे कि 12 है, तो 12 के फैक्टर बहुत सारे हैं, कौन कौन से फैक्टर है भाई, तो 12 का फैक्टर, एक तो हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, इसके अलावा इसका फैक्टर 2 भी है,
इसका फैक्टर 3 भी है, इसका फैक्टर 4 भी है, इसका फैक्टर 6 भी है, ठीक है। तो इतने सारे, तो जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो गया, 2 से ज्यादा मतलब क्या कि उस नंबर और एक को छोड़ के इसके बाद कोई थर्ड चीज फैक्टर हुआ तो वो कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप सपोज कर लो कि 13 है, अब 13 का फैक्टर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 13 होगा और नहीं तो 1 होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये प्राइम हो गया और ये हो गया कंपोजिट। तो मेरे को दिखाना है कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। अब तुम कहोगे कि सर इसको कैलकुलेट कर लो। भैया कैलकुलेट कहाँ करना है, ये बेवकूफों वाले काम क्यों करेंगे हम लोग। देखो मेरे को सिर्फ दिखाना है, इसका वैल्यू नहीं पूछ रहा है। हाँ कोई आवाज दे रहा था तो उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आपको मेरे पास साउंड जा रहा है, मैं एक बार चेक कर लो यार। ठीक देखो तो 7, 11, 13 ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, और यहां पे 13। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास में दो एक्सप्रेशन है, एक ये और दूसरा ये। मैं दिखा देता हूं कि इसमें फैक्टर जो बनेंगे ना वो 2 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे। कैसे पर दिखाऊंगा, तो 13 यहां भी दिखाई पड़ रहा है और 13 यहां भी दिखाई पड़ रहा है, तो मैं 13 तो कॉमन ले सकता हूं क्योंकि दो एक्सप्रेशन है। 13 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11, ठीक है, और क्या बचेगा यहां प्लस, तो प्लस और 13 कॉमन चला गया तो क्या बचा, 1 बचा। 13 कॉमन लिया यहां से और यहां से, 13 कॉमन गया दोनों तो यहां पे 7 इंटू 11 प्लस 1 बचा। तो तुम कहोगे सर दो ही फैक्टर हुआ, एक फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये। मैं कहूंगा एक और फैक्टर है इसमें, 1 तो सबका फैक्टर होता है, सबका मालिक एक, 1 सबका फैक्टर। मैथमेटिक्स भी यही चीज कहता है, देखो कितना कितनी अच्छी बात है। मैथ कहता है कि 1 सबका फैक्टर होता है, सबका मालिक एक वाली बात हो गई। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, दिस दिस एंड दिस, ठीक। फिर यहां पे दोनों की मैं लैंग्वेज एक ही बार लिखूंगा, लैंग्वेज दोनों में वही लिखना जो मैं लिखूंगा। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे ये नंबर है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5। अब फिर से देखो यहां पे एक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है, तो यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो 5 कॉमन लेना बनता है। 5 ले लिया कॉमन तो क्या बचेगा, 7, 6, 7, 6, 5 चला गया तो 4, 3, 2, 1, और फिर ये वाला प्लस, और चूंकि 5 कॉमन गया तो फिर से क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो तुम कहोगे सर दो ही फैक्टर हुआ, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि सबका मालिक एक, मतलब क्या, एक से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो यहां भी 1, 2, 3 फैक्टर, यहां भी 3 फैक्टर, दोनों ही के लिए लैंग्वेज ये लिखोगे, द गिवन न्यूमेरल एक्सप्रेशन हैव, द गिवन न्यूमेरल एक्सप्रेशंस हैव मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू, दो से ज्यादा फैक्टर है, दो फैक्टर में प्राइम होता है, दो से ज्यादा होता है तो कंपोजिट होता है। तो मैंने क्या लिखा कि द गिवन न्यूमेरल एक्सप्रेशंस हैव मोर देन टू फैक्टर्स, सो दे आर कंपोजिट। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, यही काम करना है। अच्छा ये है भैया, बड़ा मजेदार चीज है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पॉट फील्ड। चलो एक मैं बना ही लेता हूं सर्कुलर पाथ अपने पास में, जब हर चीज है तो दिक्कत किस बात की है। लो ये सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या सब नाटक हो रहा है देखो, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड। अब सोनिया बेचारी जो है ये 18 मिनट में यहां से चलती है सोनिया, ठीक है, यहां पे एस पर सोनिया, और ये 18 मिनट में एक राउंड लगाती है, ठीक है। सोनिया काफी अच्छा नाम है, नहीं ब्यूटीफुल नेम, 18 मिनट में एक राउंड लगाती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि यहीं पे रवि है और रवि लगाता है 12 मिनट में। अब पता है रवि 12 मिनट में क्यों लगाता है, क्योंकि रवि बेचारा खाली पैर दौड़ रहा है और सोनिया ने हील वाला सैंडल पहन के रखा है, तो भाई हील वाले सैंडल पहन के दौड़ोगे तो समय तो लगेगा ही, और डबी का तो कोई बात ही नहीं है, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, कैसे भी चल दो, ठीक है। तो बेचारा खाली पैर दौड़ा है, 12 मिनट दौड़ गया। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों को सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया गया, ठीक है, एंड
सेम टाइम पे दोनों दौड़ना स्टार्ट किया। जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 सोनिया रवि दोनों एक साथ दौड़ गए, सोनिया हील वाले सैंडल पहन के और बेचारा खाली पैर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब दोनों इधर ही जा रहे हैं, सोनिया भी और रवि भी। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी देर के बाद ये लोग, चूंकि अब देखो दोनों दोनों का स्पीड तो ज्यादा होगा ना, सोनिया के पैर में सैंडल है, ये बेचारा खाली पैर दौड़ रहा है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन सिचुएशन वही है मेरे को पता है। तो रवि तो काफी तेज दौड़ेगा और सोनिया पीछे रह जाएगी, तो दोनों मिलेगा कब, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है। तो हम लोग कहते हैं ना, एक एग्जांपल देते हैं कि दुनिया गोल है, कभी ना कभी मिलेंगे ही, ठीक है, भले ही मिले ना मिले लेकिन कह तो देते हैं। ऐसा भी मैंने मैंने कई सारे लोगों को कहा लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं मुझे, ठीक है। मैंने भी कई लोगों को कहा कि भाई दुनिया गोल है, कभी तो कभी मिल ही जाएंगे, अभी तो कोई नहीं मिला, उनका नाम ही मैं भूल चुका हूं। लेकिन भाई ये तो गोल है तो ये तो मिलेंगे ही, क्योंकि छोटा सा ही है। तो देखो ये पता है कब मिलेंगे, मेरे को ये देखना है कि इन लोगों का जो मल्टीपल है, क्योंकि देखो सोनिया 18 मिनट में एक राउंड लगाती है तो 18 × 2 = 36 मिनट में दूसरा राउंड लगाएगी, ठीक है, 54 मिनट में तीसरा राउंड लगाएगी, ये 12वें मिनट में एक राउंड लगाता है, 24 में दूसरा, 36 में तीसरा। तो मैं क्या देख रहा हूं कि चूंकि ये तो दौड़ते जा रहे हैं ना, तो मेरे को मल्टीपल लेना है कि कितने किस मल्टीपल में ये लोग आके मिलेंगे, ठीक है। तो देखो ये लोग कभी यहां वहां तो मिलेंगे नहीं, बीच में कहीं नहीं मिलेगा कोई, जहां मिलेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। तुम कभी ऐसे ट्राई करके देख लेना, अगर दोनों का स्पीड सेम नहीं है तो ये बीच में तो कहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मिला तो 18 मिनट, फिर 36 मिनट, 54 मिनट, और ये 12 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट, ऐसे करके मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल देख रहे हैं, तो क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम। बात समझ आ रही है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, इसका एलसीएम पता है कितना होगा, 36 होगा, ये आता ही है आप लोगों को, 36 मिनट। तो 36वें मिनट पे फिर दोनों की मुलाकात हो जाएगी, ठीक है, और वो बात सही हो जाएगी कि दुनिया गोल है तो मिलना ही है। तो कैसे सर इसको आप प्रूफ करो, तो मैं कहूंगा देखो 36 मिनट में सोनिया दो ही बार दौड़ पाएगी और ये बेचारा तीन बार दौड़ जाएगा, देख रहे हो ना, 36 मिनट में दो ही बार दौड़ेगी और ये तीन बार दौड़ेगा। तो सोनिया पहले राउंड लगाएगी 18 मिनट, दूसरे में 36 मिनट, आके यहां पे 36वें मिनट में सोनिया यहां पे होगी, और अभी 12 24 36 मिनट में ये भी यहां पे होगा। तो 36वें मिनट में दोनों को मिल जाना है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ है क्या, 1.3, ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बहुत सारे आएंगे। एक क्वेश्चन तो 1.3 से आता ही है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मैंने हर चीज अपडेट कर दिया है, या शायद मैंने किया नहीं तो मैं कर दूंगा, आप चेक कर लेना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा आपको, पढ़ के मजा आया कि नहीं बताना कमेंट करके, ठीक है। तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड वीडियोज को शेयर करते रहिए।